नमस्कार, मैं दिव्या धाधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए बताया है कि क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित नहीं करने दिया जाएगा। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने ओटीटी पर भारतीय धर्म और परंपराओं के खराब तरह से दिखाए जाने के आरोपों को लेकर ये बातें कही हैं। पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से आई सीमा हैदर को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को यूपी एटीएस उसे पूछताछ के लिए ले गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है। इन्हीं आशंकाओं के बीच यूपी पुलिस अब सीमा की कुंडली खंगालने में लगी हुई और नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सीमा का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पुलिस के हाथ लगा है। इसमें बड़ा झोल सामने आया है। यह नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बीते साल ही इश्यू किया गया है। इस कार्ड पर इसकी इश्यू डेट 20 सितंबर 2022 तय की गई है। नगद लेन देन में दिक्कतों से दूर, महज 2 सेकंड में भी कम वक्त में देश में यूपीआई के जरिए भुगतान की सुविधा का लोग बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइस पवाटर कपूर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने वाले यूपीआई की मदद से लेन देन 2026-27 तक बढ़कर सालाना 379 अरब के स्तर पर पहुंच जाएगा। 2022-23 में आंकड़ा महज 83.71 अरब था। 2026-27 तक देश में रोजाना करीब 1 अरब लेन देन में यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। दावा है कि यूपीआई लेन देन में बढ़ोतरी के साथ इस अवधि तक कुल डिजिटल लेन देन में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 90% पहुंच जाएगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तदर्थ समिति ने नए नियम बनाए हैं। इसी के तहत स्टार रेसलर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इन दोनों को ही एशियन गेम्स के लिए ट्रायल में छूट मिल गई है, मगर अब इस फैसले को बाकी भारतीय पहलवान और नेशनल कोच कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैनहोम ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा बदलाव यानी कोयला और अन्य परंपरागत ईंधनों से उत्पादित बिजली की जगह पवन तथा सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने का बाजार वर्ष 2030 तक $23,000 अरब जाने का अनुमान है। अमेरिकी भारत और रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी पर यहां आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिका 100% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के उपयोग के अपने लक्ष्य को लेकर वर्ष 2035 तक अपने ग्रिड से 2000 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा जोड़ेगा। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तब से ये विवादों में घिरा हुआ है। ट्विटर के खिलाफ अदालत में एक और केस दर्ज किया गया है, जिसमें कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उसने बुजुर्ग कर्मचारियों को निशाना बनाकर छटनी की। साथ ही उन्हें निकालने के बाद कंपनी ने 4,104 करोड़ का अलगाव भुगतान भी नहीं किया है। बता दें कि कंपनी पर इससे पहले से ही कर्मचारियों की छटनी को लेकर मुकदमा चल रहा है। भारत का मोस्ट वांटेड अलकायदा आतंकवादी इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा को उसकी पत्नी फारिया आफरीन के साथ बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड उग्रवादियों की सूची में है। उनके नाम पर कम से कम 10 मामले दर्ज हैं। उग्रवादी के बारे में जांच करने पर जासूसों को पता चला कि इकरामुल हक ही है। वहीं उसकी पत्नी के पास भी भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेता इकरामुल हक उर्फ अबू तलहा और उसकी पत्नी फारिया आफरीन अनिका बांग्लादेशी नागरिक है। चीन और रूस ने मंगलवार को G20 परिणाम दस्तावेज और अध्यक्ष के सारांश का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसकी गांधीनगर में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक के समापन पर यूक्रेन के खिलाफ रूस संघ की अग्रामकता के कड़े शब्दों में निंदा की गई है। जबकि चीन ने कहा है कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सही मंच नहीं थी। रूस ने दस्तावेजों की स्थिति से खुद को अलग कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही बेबाक और बिंदास अंदाज में अपनी राय रखती हैं। हाल ही में स्वरा भास्कर ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण केस में बेल मिलने पर गुस्सा जाहिर करते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि एक्टिविस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट और राजनीतिक मतभेद रखने वालों को जमानत नहीं मिलती है, लेकिन यौन शोषण करने वालों और दरिंदों को नए इंडिया में खुली छूट है। सुनील शेट्टी टमाटर के बढ़ते हुए प्राइस को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही लगातार चर्चा में। इस वजह से एक्टर को हाल ही में काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब अन्ना ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने किसानों से माफ़ी भी मांगी है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज कमजोरी के साथ खुला है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे की कमजोरी के साथ 82.10 रुपए के स्तर पर खुला। वहीं मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की मजबूती के साथ 82.03 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। बता दें कि डॉलर में कारोबार काफ़ी समझदारी से करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो निवेश पर असर पड़ सकता है।
रूसी कच्चे तेल पर छूट में भारी गिरावट और पेमेंट संबंधी दिक्कतों के बीच खबर है कि भारत के सरकारी रिफाइनर कच्चे तेल की खरीद के लिए मध्य पूर्व के अपने पारंपरिक तेल आपूर्तिकर्ताओं की तरफ मुड़ रहे हैं। सरकारी रिफाइनर इराक से तेल आपूर्ति बढ़ाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि रूस के कच्चे तेल यूराल की कीमत में बढ़ती जा रही है और यह पश्चिमी देशों की तरफ से रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप $60 प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के हफ्तों में रूसी कच्चे तेल पर छूट में भारी गिरावट हुई है। अगर रूस सरकारी रिफाइनर्स को प्राइस कैप से अधिक कीमत पर तेल बेचेगा तो वो रूस से तेल खरीदना नहीं चाहेंगे। भारत ने लंदन में 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद चुनावों में श्रेणी बी के तहत अपनी दावेदारी पेश की है। इससे पहले श्रेणी बी के तहत 2022-23 के लिए भारत को चुना गया था। आपको बता दें कि आईएमओ के वर्तमान सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात हैं। कोर्ट द्वारा तलब किए जाने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर नाराज हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के अवर सचिव पर 5,000 का अर्थदंड लगाया है। जस्टिस पीबी बजंत्री एवं जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने सुजीत सुमन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। भगवान शिव के पावन मास सावन के शुभ अवसर पर देश के कई श्रद्धालु जगह जगह से कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। अब कांवड़ यात्रा का यह महोत्सव विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में रहने वाले बिहार झारखंड के लोग कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। घर में बनी कांवड़ और सुल्तानगंज से मंगाया गया गंगा जल लेकर करीब 50 लोग टोक्यो से 90 किलोमीटर दूर साई तमा शिव मंदिर पहुंचे, जहां दक्षिण भारत के पंडित ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई तथा कांवड़ लेकर आने वाले सभी लोगों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे मिली विशाल गुंबदनुमा धातु को लेकर कोई रहस्य नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह भारतीय भी हो सकता है और नहीं भी। बीबीसी से बात करते हुए एस सोमनाथ ने कहा है कि जब तक हम इसका परीक्षण ना कर ले हम कैसे पुष्टि कर सकते, ये हमारी है। वीकेंड में ये धातु पर्थ से 250 किलोमीटर उत्तर में ग्रीन हेड स्पीच पर मिला था। तब से इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के चंद्रयान अभियान से जुड़ी हो सकती है, लेकिन संभावना को तुरंत ही खारिज कर दिया गया। वैष्णो देवी माता मंदिर दर्शन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बाढ़ ने श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते अब भक्तों को गुफा मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही कई मिलने वाली सुविधाओं पर भी श्राइन बोर्ड ने ब्रेक लगा दिया है। बाढ़ के चलते पानी का बहाव इतना तेज हो चला है कि नए रास्ते से जाने पर रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि कटरा में पिछले 43 वर्षों में सबसे भारी बारिश के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा पुराने रास्ते से करनी पड़ रही है। कर्नाटक समेत 3 राज्यों से बीते 24 घंटे में 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने बुधवार को बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी पकड़े। ये आतंकी बेंगलोर में धमाका करने की योजना बना रहे थे। वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे से 2 इनामी आतंकियों को अरेस्ट किया है। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। एक आतंकी फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर बिहार के मोतिहारी से मंगलवार रात को ATS ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर PFI के एक आतंकी को अरेस्ट किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। देश में इस समय आयकर भरने वालों के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने का समय चल रहा है। 31 जुलाई तक सभी लोगों को अपना अपना रिटर्न भरना होता है। सरकार कई बार रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा देती है। इस बार क्या होता है अभी कहा नहीं जा सकता। आज आयकर विभाग ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 7 दिन पहले ही 3 करोड़ आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं। आयकर विभाग ने कहा है कि इस मील के पत्थर तक पहुँचने में हमारी मदद के लिए हमारे करदाताओं और कर पेशेवरों के आभारी। बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार को इंडिया नाम सही नहीं लगा। नीतीश कुमार की नाराजगी एक और वजह उन्हें विपक्षी खेमे का संयोजक नहीं बनाने को लेकर भी बताई जा रही है। इन्हीं अटकलों के बीच जदयू ने चुप्पी तोड़ी है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार अभी नाराज नहीं हो सकते। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार कभी नाराज नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सबको एक साथ लेकर आया है वह कभी नाराज नहीं हो सकता। ललन सिंह ने कहा कि इंडिया नाम सबकी सहमति से तय हुआ है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भारत ने एक बार फिर गहरी चिंता व्यक्त की और इस दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के साथ साथ बातचीत और कूटनीति का रुख करने का आग्रह किया है। यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक चर्चा में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इंसान की जान की कीमत पर कभी भी कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। हिंसा का बढ़ना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चिरंजीवी ब्लड बैंक से जुड़े मानहानि मामले में लोकप्रिय तेलुगु
अभिनेता राजशेखर और उनकी पत्नी जीविता को नामपल्ली अदालत ने एक साल की जेल की सजा सुनाई है। साउथ इंडस्ट्री के इस कपल को नामपल्ली के 17वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसमें अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। ऐसे में अधिकांश राजनीतिक दल दो धरों में बंट जा रहे हैं। एक धरा विपक्षी दलों द्वारा हाल ही में बनाया गया इंडिया है, जबकि दूसरा सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए है। दोनों ही संगठन अपनी अपनी बैठकें कर लोकसभा 2024 की तैयारियों की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने दोनों गठबंधनों में से किसी में भी शामिल ना होकर अकेले चलों की नीति अपनाई है। इस बात का ऐलान आज खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है। उत्तराखंड के चमोली में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। चमोली बाजार के पास अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगा प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैल गया। दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। मृतकों में पीपल कोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और होमगार्ड मुकंदी लाल भी शामिल है। चमोली आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया है कि अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। वहीं 7 लोग झुलसे हैं। हादसे में मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत समेत पूरी दुनिया में एआई के खतरे को लेकर चर्चा गर्म है। कई लोगों का मानना है कि इससे कई सेक्टर की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। अब इस बात की आशंका खुद स्टेबिलिटी एआई के सीईओ इमाद मुश्ताक ने जताई। उन्होंने कहा है कि आने वाले 1-2 सालों के दौरान भारत के कई कोडर्स और प्रोग्रामर्स को नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोडिंग के कुछ काम को भविष्य में एआई भी पूरा कर सकेगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आज केंद्र सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई। यह बैठक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मीडिया की खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों को सूचित किया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष ने महंगाई पर भी चर्चा की मांग उठाई है। बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार नियम के तहत हर मसले पर चर्चा के लिए भी तैयार है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। बेंगलोर में विपक्ष की बैठक के दौरान एक बड़ा मुद्दा यह भी रहा कि आखिर विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया है कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। खड़गे के इस बयान के बाद टीएमसी नेता शताब्दी रॉय ने कहा है कि तब तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा हो। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, नौशाद अंसारी, शिवम कुमार मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, यूपीआई से लेन देन ने क्या आपके भी जीवन को आसान कर दिया है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।